हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा डोडा। लास्ट सेशन में हमने आईबीपीएस क्लरिकल प्रीलिम्स का सेट 1 डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम सेट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। एक हम करेंगे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसका लेवल आपके पास क्या होगा, बिल्कुल वैसा होगा जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलो तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा और आपको हिंदी में भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद बनाना स्टार्ट कर दीजिए कि कितने टाइम के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहली बात हमसे बोल रहा है, हमसे बोला गया है द 12 पीपल आर सिटिंग, 12 पीपल आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। हमसे बोला गया पहली लाइन के अंदर हमारे पास कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी वी बैठे हैं और सबका फेस कहाँ पे, साउथ फेसिंग में गिवन है। फिर दूसरी लाइन में हमारे पास गिवन है ए बी सी डी एफ जो है कहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास नॉर्थ फेसिंग में गिवन है और सेकेंड रो के अंदर बैठे हैं और सारे मेंबर्स जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमसे बोला जा रहा है एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, इधर एस और क्यू सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यानी कि हमारे पास यहाँ पे मैं बनाना शुरू करती हूँ। हमसे बोला गया है पहली लाइन के अंदर जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये कौन आ गया हमारे पास, ये आ गए हमारे पास पी क्यू आर एस टी जिनका फेस क्या है, हमारे पास साउथ फेसिंग है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ पी क्यू आर एस टी वाली बात है ये, ठीक है। फिर दूसरी बात जो हमारी सेकेंड रो है, सेकेंड रो में हमसे यहाँ पे 6 जने बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसके फेसिंग कहाँ है, इनका नॉर्थ फेसिंग और ये हमारे पास एबीसीडी वाले हैं। अब हमसे पहली लाइन इसने क्या बोली थी, पहली लाइन इसने हमसे बोली थी एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में थर्ड पर मेरे पास एस गिवन है। मुझे क्या बोला गया, क्यू के राइट में मेरे पास थर्ड पर एस गिवन है। हमसे बोला गया इधर क्यू और एस सिट एट द, हमारे पास गिवन है कि या तो क्यू हमारे पास थर्ड पे कॉर्नर पे बैठा है या एस कॉर्नर पे बैठा है, मतलब दोनों में से एक जना कोई हमारे पास यहाँ कॉर्नर पे बैठा होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ दो केस बनते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे क्यू को रख दूं, अगर मैं क्यू को यहाँ रख दूं तो मेरे पास एस का आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और एक केस अगर मेरे पास ये भी बन सकता है कि अगर मैं एस को यहाँ रखूं तो मेरे पास क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये बनते हैं। चलो अगली लाइन देखते हैं, द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, मतलब जो क्यू को फेस कर रहा है, यानी कि क्यू को फेस कर रहा है ये पर्सन, ये ई के राइट में सेकंड पर है। यहाँ पे तो ई के राइट में सेकंड पर ये आ गया, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाली बात करूं, अगर क्यू यहाँ पे है मेरे पास, अगर क्यू मेरे पास ये रहा तो यहाँ पे इसको फेस कर रहा है तो ई के राइट में सेकंड पे ये होगा, ठीक है। इसको मैं बना नहीं रही हूँ, इसका बनाने का एक रीजन हो रहा है क्योंकि मुझे अगली लाइन से पता लग रहा है कि यहाँ पे कटेगा। देखो आगे आपके पास क्या गिवन है, बी और एफ, टू पीपल सिट बिटवीन बी और एफ, नीदर बी और एफ सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। यानी कि बी और एफ जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, यानी कि ये ही हमारे पास बी और एफ की पोजिशन बचती है। अगर मैं वो वाला केस उठाती एस और क्यू वाला, तो क्यू को जो फेस कर रहा है वो ई के राइट में सेकंड है, तो अगर मैं यहाँ पे ई को रखती, अगर ई को यहाँ रखती तो मेरे पास जो बी और एफ है वो कॉर्नर पे कहीं ना कहीं आते, उनके बीच में दो का गैप नहीं बनता था। यानी कि मुझे पता लगा कि जो मेरे पास जो मैंने ये कंडीशन ली थी कि एस यहाँ आना है, एस यहाँ नहीं आएगा, साथ ही साथ हमारे पास ये क्यू वाली बात भी यहाँ नहीं आएगी, ठीक है। जिससे मुझे पता लगा क्यू कॉर्नर पे होगा, क्यू के राइट में थर्ड पर एस होगा क्योंकि साउथ फेसिंग है, क्यू के अपोजिट में जो पर्सन है वो ई के राइट में सेकंड है, वो भी बना दिया मैंने, बी और एफ के बीच में दो जने हैं, साथ ही साथ बी और एफ कॉर्नर पे नहीं है। आगे हमसे बोला गया है, आगे हमारे पास गिवन है द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जो बी का इमीडिएट नेबर है वो पी के लेफ्ट में थर्ड है, है ना। देखो इमीडिएट बी का नेबर, बी का नेबर ये भी हो सकता है, वो पी के लेफ्ट में थर्ड, यहाँ से तो मेरे पास क्या बनेगा, ये साउथ फेसिंग है तो बन नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मेरे पास क्या है, यहाँ से पी के लेफ्ट में थर्ड वाली बात भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी कि बी का जो पड़ोसी है वो ये ई हो सकता है या इधर हो सकता है। इससे एक चीज कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ आएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा। अब देखो बी का पड़ोसी अगर ई है तो ई के जो ऊपर पर्सन है वो पी के लेफ्ट में थर्ड है, हो सकता है 1, 2, 3 हो सकता है। अगर बी का पड़ोसी मैं ये लेती हूँ, इसको अगर फेस ये कर रहा है तो पी के लेफ्ट में थर्ड, एक यहाँ पे तो एस बैठा है तो आ नहीं सकता। यानी कि मेरा जो पी आएगा वो आएगा यहाँ पे और पी के लेफ्ट में थर्ड पे ये हुआ यहाँ पे, जो बी ई को फेस कर रहा है, जो बी का पड़ोसी है। ये बात सेटिस्फाई हो गई, चलो ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे हमसे बोला गया आर और टी एक दूसरे के नेबर्स हैं। देखो अगर आर और टी एक दूसरे के नेबर्स हैं, यानी कि आर और टी यहीं आ सकता है, तो यहाँ के लिए जो हमारी एक पोजीशन खाली है वहां पे क्या आएगा, वहां पे तो फिक्स हो गई पोजीशन की, वो वी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमसे क्या बोला है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकंड पर सी है। देखो ए के लेफ्ट, अगर ए को मैं यहाँ बिठाऊं तो सेकंड पे नहीं आ सकता, यानी कि सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकंड पर मेरे पास सी है जो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास एक पर्सन बच रहा है वो कौन सा है, डी बच रहा है। अब देखो आर ओ टी वाली बात देखते हैं, लास्ट में गिवन है टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी के नेबर को, डी का नेबर कौन हुआ बी, बी को कौन फेस नहीं करेगा टी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा आर आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी था, सिंगल डायग्राम में बन रहा है, कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं थी। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहली बात हमसे बोला जा रहा है हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोज, सबसे एंड पे कौन बैठा है। देखो सबसे पहली बात एस और डी नहीं है, क्यू और ए नहीं है, वी और सी नहीं है, पी और डी, देखो पी सेकेंड रो में कॉर्नर पे है, डी फर्स्ट रो पे कॉर्नर पे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा पी और डी, डी ऑप्शन। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, एस को जो फेस कर रहा है पर्सन वो है हमारा ए, कौन सा है ए है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी पर्संस आर सीटेड बिटवीन वी एंड आर, वी और आर के बीच में कितने जने बैठे हैं। देखो वी और आर के बीच में दो बैठे हैं, एस और टी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला बोलता है अगर पी का रिलेशन मेरा ए से है, उसी तरह एस का रिलेशन मेरा बी से है। अब अपने जो आपने अभी पजल बनाई है वहां पे चेक करो, पी और ए के बीच में एक का गैप आ रहा है और सामने वाली रो में है, एस और बी में भी क्या आ रहा है आपके पास, एक का गैप आ रहा है, तो यानी कि उसी तरह से टी और जो जो रिलेट करेगा उसके बीच में भी एक का गैप होना चाहिए, यानी कि टी और किसकी बात होगी, डी की, डी की, इसलिए क्योंकि इसके बाद एक का गैप है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी, टी के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सी बात सही है, टी एफ को फेस करता है, बिल्कुल नहीं करता, वी इमीडिएट नेबर है टी का, नहीं है, एफ फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट में जो सेकंड है उसको एफ फेस करता है, क्या ये बात सही है, नहीं। अगला हमसे बोल रहा है टी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, ये भी गलत है, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, देखो हमारे पास एक लाइन रह गई, एफ फेसेस द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी को जो सेकंड में राइट है उसको एफ फेस कर रही है, बात जारी है ना, क्योंकि हमारे पास टी साउथ फेसिंग है, यानी कि हमारा आंसर नंबर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे बोला जा रहा है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट सो फॉर्म अ ग्रुप, विच वन इज दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ए ओ टी, ए ओ टी में जस्ट आमने सामने है डायगनली जा रहे हैं, फिर बी और टी जो है डायगनली जा रहे हैं, एफ और पी डायगनली जा रहे हैं, सी और वी, सी और वी भी हमारे पास डायगनली जा रहे हैं, बट ई और क्यू इनके बीच में क्या है एक का गैप जा रहा है, वो अगली पोजीशन पे डायगनल थे, ये एक का गैप छोड़ के है, यानी कि हमारा जो अलग है वो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी सेकंड पजल देखते हैं, सेकंड पजल में आपके पास बता रहे एजेस का, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग इनका आंसर क्वेश्चन गिवन है। देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, पहले मैं आपको हिंदी दिखा देती हूँ, ये रहा आपके पास हिंदी में शो होगा आपको, और इससे पहले आपके पास इसका इंग्लिश में है, दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या गिवन है, मैं एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, हमारे पास गिवन है 8 पर्सन ए बी सी डी पी क्यू आर एस वर बोर्न इन द डिफरेंट ईयर्स, दैट इज हमारे पास 56, 2008, 62, 2002, 85 कुछ ईयर्स गिवन है, एजेस जो इनकी कैलकुलेट करनी है वो बेस ईयर कौन सा है, हमारे पास 2020 का है, कोई भी पर्सन सेम ईयर पे नहीं हुआ है, और सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर के अंदर हो। सबसे पहली बात बोल रहा है जो पर्सन बोर्न किया गया है 2008 में, मतलब उसकी एज क्या होगी 12 साल की, यानी कि अगर बेस ईयर 2020 है तो। अब हमारे पास गिवन है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं हम साथ के साथ, हमारे पास क्या गिवन है, हमसे बोला गया है 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे एजेस गिवन है उससे मैं ईयर और इनके एज निकाल लूं, जो ईयर गिवन है मेरे पास कौन कौन से ईयर गिवन है, मेरे पास गिवन है यहाँ पे 56, फिर मेरे पास गिवन है 62, फिर मेरे पास 75, फिर 85, फिर 92, फिर 2002, 2005 और 2008, ये हो गए हैं मेरे पास 8। ठीक है, अब इनकी मैं एजेस भी निकाल देती हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ,
कि मैं इनकी क्या निकाल रही हूँ, एजेस निकाल रही हूँ. देखो जो 1956 में पैदा हुआ है उनकी एज क्या हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी 64. जो 62 में पैदा हुआ है उसकी एज क्या हो जाएगी, 58. 75 वाले की हो जाएगी 48. जो 85 में हुआ है उसकी हो जाएगी 35. इसमें 92 में हुआ है उसकी हो जाएगी 28. फिर 18, फिर 15 और फिर 12. ये मैंने इनकी एजेस मेंशन कर दी. अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात मुझे बोली गई है दो पर्सन जो है आर और बी के बीच में है, ये बात बोली गई है. एंड बी हुज एज इज बिलो 30 ईयर्स, यानी कि जो बी आएगा हमारे पास वो यहीं कहीं आएगा, इन चारों में से कहीं पे आएगा, ये बात हमारे पास कंफर्म है. ठीक है, आगे देखते हैं. द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आर इज सेम एज अ पर्सन बोर्न आफ्टर सी, यानी कि आर से पहले जितने हुए हैं उतने ही सी के बाद बोर्न हुए हैं. ठीक है, आगे हमसे बोला जा रहा है मोर देन 3 पर्सन आर बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और डी के बीच में मोर देन 3 यानी कि कम से कम 4 जने तो होंगे, मोर देन 3 का मतलब 3 से ज्यादा. ठीक है, आगे हमसे बोला जा रहा है डी वॉज बोर्न बिफोर बी और डी पहले हुआ है बी से, यानी कि बी जो है इसके कहीं नीचे आएगा, ये बात भी हमारे पास गिवन है. आगे हमसे बोला जा रहा है एस इज द थर्ड यंगेस्ट पर्सन, एस अगर थर्ड यंगेस्ट है 12, 15, 18, यानी कि एस तो यहाँ आएगा, ये फिक्स हो गया है. ठीक है, आगे बोला गया बी वॉज नॉट बोर्न आफ्टर एस, एस के कहीं बाद पे बी पैदा नहीं हुआ, मतलब 15 और 12 साल का वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद नहीं हुआ, तो बी के लिए जो पोजीशन है वो यहाँ फिक्स हो जाएगी क्योंकि हमसे बोला गया है कि जो बी है वो 30 साल से कम का एज का है, तो हमारे पास चार ही ऑप्शन बचे थे. अगर वो एस से बाद में पैदा नहीं हुआ यानी कि एस से पहले यहाँ पे आएगा, यानी कि बी 28 साल का हो गया. ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है लेस देन 2 पर्सन आर बोर्न बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 2 से कम है, यानी कि एक तो हो सकता है, 2 से कम का मतलब कि एक या कोई भी नहीं है. ठीक है, आगे हमसे बोल रहा जा रहा है कि ए की जो एज है, ए की जो एज है वो क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये बात बोली गई है. अब देखो परफेक्ट स्क्वायर वाली बात अगर मैं इसको सबसे पहले उठाऊं, अगर ए की एज परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे ए की एज है जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 64, है ना, यानी कि ए तो यहाँ आएगा, ये फिक्स हो चुके हैं हमारे पास. अब हमारे पास क्या क्या कंडीशन थे हम उसको देखते हैं. हमसे बोला गया था कि आर और बी के बीच में क्या है, हमारे पास 2 का गैप है. अगर बी यहाँ पे है तो 1-2 छोड़ के आर आ सकता है, 1-2 छोड़ के आर आ सकता है, दोनों केस हैं. बट एक बात बोली गई है हमसे कि जो पर्सन है द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आर, आर से जो पहले पैदा हुए हैं उतने ही सी के बाद पैदा हुए हैं. अगर मैं आर को यहाँ रखती हूँ तो आर से पहले पैदा होने वाला कितना है, 1 जना है. ठीक है, तो सी के बाद वाला भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कंडीशन बन सकती है. अगर मैं यहाँ रखूँ, अगर मैं आर को यहाँ रखती हूँ तो मुझे पता लगा कि आर के पहले पैदा होने वाले कितने हैं, बहुत सारे हैं, सारे ऊपर इसके हैं, मतलब आर लास्ट में है, तो सी को भी सबसे ऊपर रहना पड़ेगा ताकि जो मेरे पास सारी कंडीशन फॉलो करे कि आर के जितने ऊपर हैं जो पहले पैदा हुए तो बी के उतने ही बाद, सी के उतने ही बाद होने चाहिए. तो यहाँ सी आ नहीं सकता ऊपर वाले फर्स्ट केस के अंदर, यहाँ मैं सी रख नहीं सकती ना, यहाँ मेरे पास ए है, यानी कि मेरे पास आर जो आएगा वो यहाँ आएगा. अब देखो आर के पहले कितने जने पैदा हुए, 1 जना पैदा हुआ, यानी कि सी के बाद भी कितना जने हुए होंगे, 1 जना बोर्न हुआ होगा, ये कंफर्म हुआ हमारे पास. ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन थी कि पी और एस के बीच में 1 का डिफरेंस आ सकता है, पी और एस के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, यानी कि पी या तो यहाँ आ सकता है या पी हमारे पास यहाँ आ सकता है, दोनों केस है अभी तक. अब वापिस से देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई लाइन रही है. हमारे पास गिवन था मोर देन 3 पर्सन आर बिटवीन क्यू एंड डी, क्यू और डी के बीच में हमारे पास 3 से ज्यादा पर्सन हैं, और एक बात गिवन थी डी से कहीं नीचे भी है, तो मतलब डी को यहीं आना पड़ेगा ऊपर कहीं. अब देखो अगर मैं डी को यहाँ रखती हूँ तो 1-2-3-4 क्यू आ सकता है, अगर डी को मैं यहाँ रखती हूँ तो 1-2-3-3 का डिफरेंस ना 4 का डिफरेंस बोला है, यानी कि मेरे को डी को यहाँ रखना पड़ेगा और मेरे को क्यू को लेना पड़ेगा यहाँ पे ताकि ये 4 का डिफरेंस बन जाए. अब हमारे पास 1 पर्सन रह गया है, जो कौन सा रह गया है, पी, क्योंकि हमसे बोला गया था पी और एस के बीच में 2 का डिफरेंस नहीं है, 1 हो सकता है, तो पी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, बहुत इजी थी. आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ईयर मेंशन कर लेने हैं, ईयर मेंशन करने के साथ उनकी एजेस मेंशन कर ले कि वो कितने साल के हैं, इससे क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी बन जाता है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर. सबसे पहला हमारे पास गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर बोर्न इन द ईयर 1962, 1962 में कौन पैदा हुआ था जो 58 साल का था, 58 ईयर्स का, वो कौन है, हमारा आर था, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन. फिर है व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ सी एंड आर, सी और आर की हमारे पास एजेस का सम क्या है. सबसे पहले सी कितने साल का था, सी था हमारे पास 15 ईयर्स का, आर था हमारे पास 58 ईयर्स का, यानी कि जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 73, फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, अगला देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास
फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे टू फॉर्म अ ग्रुप व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप. ए ए क्या है हमारे पास 56 ईयर वाला है. डी क्या है मेरे पास, डी मेरे पास 72 ईयर वाला है. बी क्या है मेरे पास 92 ईयर वाला है. पी पी मेरे पास कौन सा है 85 ईयर वाला है. और क्यू मेरे पास कौन सा है 2008 वाला. देखो सारे क्या है मेरे पास इवन नंबर के, इनके ईयर्स गिवन है. ओड नंबर वाला कौन सा है पी, यानी कि मेरा आंसर नंबर आ जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि ए का रिलेशन अगर डी से है, देखो ए और डी में कितने का गैप है, एक का गैप है, तो आर का रिलेशन हमसे पी का बोला गया, यानी कि इनमें भी एक का डिफरेंस है. तो हमसे बोला गया क्यू का रिलेशन, जो क्यू है इसका रिलेशन किससे होगा, तो क्यू का रिलेशन हमारे पास किससे आ जाएगा, क्यू के बाद एक का गैप छोड़ के कौन है मेरे पास एस है, यानी कि मेरा आंसर नंबर आ जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन. ठीक है, अगला देखते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ट्रू, तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही है. आर 12 साल का नहीं है, सी 64 ईयर्स का नहीं है, पी 35 का बिल्कुल है, मतलब मेरा आंसर ये आ चुका है. फिर भी हम बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं. क्यू 15 नहीं, क्यू तो 12 साल का है. ए 48 ना, ए तो 64 वाला है, यानी कि हमारा आंसर नंबर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, आज हमने दो पजल्स बनाई है. एक हमने किया है हमारे पास जो हमने लीनियर इक्वेशन वाली थी, एक हमने एजेस वाली की है. आई होप आज के सेशन के अंदर आपने हमने जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको समझ आए होंगे सभी को. ठीक है, चलिए कल मिलते हैं कल के सेशन के अंदर. कल इसी तरह की कुछ हमारी आईबीपीएस क्लरिकल प्री के लिए और पजल्स करेंगे. थैंक यू.